इमरान खान पर कातिलाना हमला किसने करवाया था? फैसल वावडा ने आखिरकार अहम राज खोल दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फैसल वावडा से सवाल किया गया कि क्या इमरान खान पर सचमुच हमला हुआ था। फैसल वावडा ने जवाब दिया, जी सचमुच हमला हुआ था। इमरान खान साहब पे सचमुच हमला हुआ था। फैसल वावडा ने दावा किया कि इमरान खान पर हमला करवाने वाले उनके सबसे करीबी और जिन पर उनको सबसे ज्यादा भरोसा था वो लोग थे। देखिए, जब गोली चलती है तो उसके आगे आँख ही है, वो सर पे लगे, सीने पे आगे लगे या पैर पे आगे लगे, वो गोली है। तो मेरे ख्याल से कि वो हमला हुआ वो हमला करवाने वाले जो हैं कौन थे, वो सबसे बड़ी बजदार बात ये है कि इमरान खान साहब के सबसे करीबी ट्रस्टवर्दी लोग। सवाल किया, हमला कराने वाले पार्टी के अंदर से थे या पार्टी के बाहर से, जिस पर फैसल वावडा का कहना था कि पार्टी के अंदर और बाहर से जब हाथ मिलाया जाता है तभी काम होता है। अंदर वाले और बाहर वाले वो लोग थे जो इमरान खान के बहुत करीब थे और इमरान खान उन पर बहुत भरोसा करते थे। पार्टी के अंदर थे, पार्टी से बाहर थे? सिर्फ पार्टी के अंदर और बाहर से जब हाथ मिला जाता है तभी काम होता है। पार्टी से बाहर वाले सिविलियन थे या? सर, अगर सिविलियन अगर ये काम पार्टी के बाहर भी कर रहा हो तो फिर सिविलियन की पार्टी के अंदर ही होता है, लेकिन खान साहब के बहुत करीब थे, खान साहब बहुत ट्रस्ट करते थे।